हेलो गाइस, आज मैं आपको किसी से मिलवाने आया हूँ। हमारे दीपक सर जो पर्टिकुलर आप लोगों को दो तीन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक विजिट पे आया हूँ जो स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना। तो ये स्वराज कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है, ये पीएटी के लिए स्पेशली बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके लिए बताया जाता है कि हाँ यहाँ पे पीएटी की तरह है ना। तो आपके भी कोई जो मतलब जो यंगर ब्रदर हो, यंगर सिस्टर हो, तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ की पीएटी क्लासेस मतलब करवाई जाती है। और साथ ही साथ यदि देखा जाता है तो एमएससी प्रीपीजी और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आप जानते हो मेरे को, है ना सभी लोग। और कुछ दीपक सर फिर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हाँ मतलब किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, है ना। तो दीपक सर आपके सामने कुछ बताना चाहेंगे, सुनिए आप लोग। हेलो गाइस, मैं दीपक। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कोई भी, अगर मैं अपने ऊपर से बात बताता हूँ तो हम जो टीचर लोग होते हैं, कोई भी टीचर या शिक्षा का काम करता है तो वो एक मीडिएटर का काम करता है। कि जैसे किसी साइंटिस्ट ने कोई काम किया है, उस काम की उसकी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके स्टूडेंट तक पहुंचाना, समझाना और उसी को आगे बढ़ाना, मतलब उनको जिसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझ में आए, तो उसी काम में प्रेरित हैं और उसी काम को करना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों का मतलब आशीर्वाद चाहिए, आप सभी लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू। ठीक है, इसे ना मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और भी इस प्रकार से वीडियो बनते हाँ रहेंगे, सर, और बिल्कुल। बच्चों को एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे एक उनको एक गाइडलाइंस दी जाएगी प्रॉपरली, किस प्रकार हाँ से अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार से अपनी लाइफ में एक एंथुजियाज्म लाया जाए, ताकि आप लोग वहां से अपनी लाइफ से अहेड हो सको, जो भी आपका डेस्टिनेशन हो आप वहां तक जरूर से जरूर उसको पहुंच सको। ठीक है, ओके ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय।